नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। तो साथियों, जो आज की शॉर्ट क्लास होने जा रही है, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि इंटीग्रेशन के जो पांच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो भी किसके लिए? IIT JEE मेन के लिए। JEE मेन्स कंडक्ट होने जा रहा है अब, तो उसके लिए पांच इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन के उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और उसी टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। उन्हीं के बेसिस पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी और जो गट फीलिंग मेरी कह रही है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जो आपकी जो वेटेज रखते हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप JEE मेन के लिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको वैसे बेसिकली पता ही होगा कि इंटीग्रेशन होता है आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो मैं यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो वो क्वेश्चंस आप अगर करके जाते हैं उनके बेसिस पे, तो आपके चांसेस हैं कि आपका जो JEE मेन एग्ज़ाम है उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, तो ये चीज है। तो इसमें करना क्या है अपने को, तो इसमें क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो फॉर्मूला यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए क्या होता है, एफ एक्स जी एक्स। तो बेसिकली आइलेट होता है, आइलेट ये रूल हम फॉलो करते हैं आइलेट का। ठीक है, तो जो फर्स्ट फंक्शन आ जाता है ना उसी को हम क्या है, डिफरेंशिएशन फंक्शन रखते हैं और बाकी को इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, एफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन, फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स और इंटीग्रेशन किसका, जी एक्स, वो भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में। इस पूरे को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स के लिए। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला बन जाता है कौन सा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है। तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है JEE मेन में। ठीक है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी भाई वैसे उसी तरीके से करने वाले हम। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स को चेंज किया तो क्या आएगा, वन माइनस कोस टू एक्स डिवाइड बाई टू डी एक्स। तो ये चेंज कर लिया, फिर x बाई टू माइनस एक्स कोस टू एक्स बाई टू डी एक्स इसका करेंगे। तो देखो इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग अलग किया तो इंटीग्रेशन x बाई टू माइनस इंटीग्रेशन x कोस टू एक्स बाई टू डी एक्स। तो इस वाले पार्ट को हम किस कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और ये डायरेक्टली आपका एक्स स्क्वेयर बाई फोर आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर बाई फोर। अब इसमें लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको किससे, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको देखते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होएगा हमारा,
तो आईलेट से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक एक्स आ रहा है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो इसका मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, एफ एक्स एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये क्या है, कोस टू एक्स का साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू, और ये टू है, मैंने इसको क्या है कि सब के बाहर में रख लिया इस टू को, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट कोई हमें दिक्कत नहीं करता। तो अब हम इस सिर्फ इस वाले पार्ट का, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। अब आगे बात करते हैं, आगे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया वन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया वन, ठीक है। अब कोस टू एक्स है, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन टू एक्स बाई टू, ठीक है, साइन टू एक्स बाई टू। तो अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई है, अब बात कर लेंगे हम, अब बात करते हैं इसके लिए जो टोटल का इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो ये बाहर वन बाई टू है, एक्स साइन एक्स टू एक्स डिवाइड बाई टू, इसका बाहर मैंने वन बाई टू ले लिया है, और साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोस माइनस कोस टू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके साथ जो इंटीग्रेशन से आनी थी, ठीक है। तो अब इसको मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, तो क्या गया, चलिए अब ओवरऑल आंसर लिख लेते हैं हम। ओवरऑल क्या है, एक्स स्क्वेयर बाई फोर, ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे क्या था माइनस का साइन, तो माइनस का लगा देंगे हम इसको, इसके बाहर माइनस का साइन, माइनस का साइन, ठीक है। तो वन बाई फोर एक्स साइन टू एक्स माइनस बाहर क्या है वन बाई एट कोस टू एक्स। तो ये ओवरऑल आपका सॉल्यूशन हो गया है इसके लिए आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का एक क्वेश्चन आपका दिखने जा रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक 2000 जेई मेन 2008 में आया हुआ है, ठीक है, 2008, ठीक है। तो 2008 का क्वेश्चन है ये। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करेंगे हम, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2018 का चुना है मैंने, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन चुना है हमने, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू, जेई मेन 2018, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई फोर टू थ्री पाई बाई फोर डी एक्स वन प्लस कोस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम, चलिए ऑप्शंस भी दिए हुए थे कुछ, ऑप्शंस
1, 2, 3, -1 कुछ इस तरीके से ऑप्शंस थे। तो चलिए ये कोस एक्स है, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे है ये क्वेश्चन। कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स इक्वल टू ए और बी लिमिट्स हैं, दिस इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये आपकी प्रॉपर्टी है ठीक है। दोनों लिमिट्स का एडिशन माइनस एक्स, तो अगर ये इक्वल आते हैं तो वो आई के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए एडिशन क्या, 3π/4 + π/4 क्या आ गया, पाई ठीक है, पाई आ गया। तो डी एक्स 1 cos π - x, cos π - x ठीक है। तो cos π - x ठीक है, तो cos π - x क्या होने वाला है, सेम टू सेम ही आएगा। cos π - x कितना है, सेम टू सेम क्या आ गया, dx 1 - cos x ठीक है, ये आ रहा आपका। चलिए तो ये इसके इक्वल है। तो अब i प्लस आई, ये फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, और ये फर्स्ट। तो i प्लस आई क्या आ गया, 2i इक्वल टू dx 1 - cos x इंटू 1 + क्या गया cos x, दिस इंप्लाइज 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - cos² x, 2i इक्वल टू sin² x dx, दिस इंप्लाइज -2i sin² क्या क्या गया cosec² x dx। लिमिट्स हम साथ में लगा नहीं रहे हैं, तो लिमिट्स जो कि तो यहाँ पे π/4 to 3π/4 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या था, -cot x लिमिट्स π/4 to 3π/4, देन दिस इंप्लाइज ये 2i है ठीक है। तो cot 3π/4 -cot π/4, तो ये आ गया -2, ये क्या है -1 और -1 -2, तो आ गया +2, देन आंसर इज i इक्वल टू 1। आई थिंक i 1 होना चाहिए आपका ठीक है। तो आई आपका क्या गया, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे एक्चुअल में, यहाँ पे ये 2i इलिमिनेट होने वाला है किस कैसे, दोनों का एडिशन करेंगे 1 - cos x, तो इससे क्या आएगा, एडिशन कर रहे हैं
एडिशन किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आई का आंसर आ जाएगा +2। तो इसका आंसर क्या था? +2। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं एडिशन में, मैंने यहाँ पे 2 लगाना इसमें भूल गया था। तो सिली मिस्टेक्स आप भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो जाए, तो इनको फोकस करके रखना है कि ऐसी सिली मिस्टेक्स आपको कैलकुलेशन में ना हो। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या? थर्ड क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी के बेस पे है। थर्ड क्वेश्चन जेई मेन 2013 का क्वेश्चन नंबर 3, जेई मेन 2013, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है? आई पाई बाई 6, लिमिट्स क्या है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 डी एक्स 1 प्लस अंडर रूट 10x, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से करना है। इसको कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी वही लगानी है कि इंटीग्रेशन ए प्लस बी एफ एक्स इक्वल टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यही लगानी है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या करना है, चेंज करना है। टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ, पाई बाई 3 पाई बाई 6 और डी एक्स 1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स। अब इसको क्या है, आप चेंज कर लो, इसका एलसीएम लिया, कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू पाई बाई 6 देन रूट कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये आपका क्या है आई। अब वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, या फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, कोस इन दोनों को पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, ये पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट्स क्या रहेंगी? लिमिट्स वही पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। तो ये क्या आ गया, एक और आई आ गया, सेम टू सेम। तो आई प्लस आई 2i बराबर ऐड कर दो भाई तो ऐड करेंगे तो सेम टू सेम है। तो क्या है, ऊपर भी क्या है, कोस एक्स और कोस एक्स, तो 2 रूट कोस एक्स और नीचे साइन रूट ऑफ कोस एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। डी एक्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सेम टू सेम नहीं, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे एक गलती कर दी हमने। कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स।
तो ये साइन एक्स है, ये कोस एक्स है, तो ऊपर भी क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये क्या 2i था, ठीक है। अब इन इसमें क्या है 2i, लिमिट्स क्या है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ठीक है, ऐड कर दो, ये क्या आ गया पाई बाई 3 बाई पाई बाई 6, ये आ गया 1 dx, दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो आंसर आ गया पाई बाई 6, और फिर से देखोगे तो i बराबर पाई बाई 12, तो ये आपका आंसर हो गया। जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे आने का ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से देख लें, सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखें, जैसे अभी अभी मेरे साथ हो गया था कि इनको ऐड करने में दिक्कत हो गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की चांसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक 2007 का है, जेई मेन, ठीक है, जेई मेन 2007 का, क्या इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी ए इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, तो इसको कैसे करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या देखना है कि जो साइन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना सा अंदाज़ा लगना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ पुट करने से बनने वाला है ये क्वेश्चन, कुछ पुट करने से, तो पुट क्या करेंगे हम यहाँ पे, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पी, पुट कर दिया, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो एक्स क्या आ गया साइन टी, और इसका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये डी टी में चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स टी, ये टी आ गया, तो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब क्या है, आईलेट लगा दो, आईलेट लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, तो पहले का टी सेम टू सेम, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, कोस टी, अब इसका फिर से डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या आ गया टी कोस टी माइनस 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 प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ठीक है, तो ये आपका आ गया माइनस टी कोस टी प्लस साइन टी। अब पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा टी की जगह माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस को कन्वर्ज करने पर ही पता चलेगा, तो 1 माइनस कुछ एक्स स्क्वायर कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, और साइन टी को कैसे पुट करेंगे, साइन टी क्या है एक्स आ जाएगा, तो आई थिंक ये आपका आंसर होने जा रहा है, ठीक है। तो कोस टी को आप कन्वर्ट कर लेना, साइन इनवर्स को चेंज करके आप कन्वर्ज कर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स इन टू 1 माइनस कोस, ठीक है, तो ये मैच कर रहा है, प्लस में सी और लगा दो, प्लस में सी, ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको इसमें टी भी पुट करना पड़ रहा है और क्या है आईलेट फंक्शन भी लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये 2000 कब आया हुआ है, 2000 कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का है, लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। तो ये है आपका क्वेश्चन, ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना, तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इसमें अप्रोच करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। तो एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे मेरे को दिख रही है, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि x को मुझे कुछ मानना पड़ेगा, और मैं x को क्या पुट करता हूँ, tan थीटा, मीन्स ठीक है tan थीटा पुट कर लिया। सॉल्यूशन करते हैं, 1 to 0 8 log 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। एक दिक्कत यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दिक्कत है, वो क्या है ये, ठीक है, पुट कर लिया। तो 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर और इसका dx और tan थीटा क्या आ जाएगा, इसका secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो secant 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आई आ जाएगा 1 0, ये लिमिट्स आ गई 8 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। यहाँ तक आ गया क्वेश्चन, अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक है। अब लिमिट्स जब हम ये चीज़ चेंज करें, तो लिमिट्स भी आपकी चेंज होने वाली है। तो लिमिट चेंज करेंगे तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, पाई बाई फोर, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, पाई बाई फोर, लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो किंग्स रूल अप्लाई करेंगे, किंग्स रूल वो क्या है, तो 0 to π/4 8 log 1 प्लस tan पाई बाई फोर माइनस थीटा। यहाँ पे क्या है, dx नहीं d थीटा, सॉरी d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, पाई बाई फोर 0 8 log 1 प्लस, तो इसको खोलेंगे तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा d थीटा इम्प्लाइज पाई बाई फोर टू 0 8 log, इसको एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दिस इम्प्लाइज पाई बाई फोर टू 0 8 को आप बाहर ले लो, 8 को आप बाहर ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, log 2 माइनस पाई बाई फोर टू 0 log की प्रॉपर्टी लगा दी है, तो ये फिर से हमारा i आ गया, ये वाला पार्ट। तो i को उधर भेजेंगे तो 2i इक्वल टू 8 पाई बाई फोर टू 0 log 2। log 2 एक कांस्टेंट है, तो आंसर क्या जाएगा आपका,
आंसर आ जाएगा 4 और तो लॉग 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया पाई लॉग 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो आई होप चीज़ें पसंद आई होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।